आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं संक्रमण तत्व के लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें बात करेंगे इस संक्रमण तत्व के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। जो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं या जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वह सब धातु होता है, जिस पर धात्विक चमक होता है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए वह कंडक्टर होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दो तरह के बॉन्ड दिखाता है। एक बनता है उस पर मेटालिक बॉन्ड और सेकेंड नंबर पर उनका बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम पर जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 21, जिसे थ्री डी वन और फोर एच टू लिखा जाता है, जिस पर एस और डी या जो दो ऑर्बिटल होता है वह हाफ फिल होता है, जिस पर जो फोर एच टू ऑर्बिटल है, जिस पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वह आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है उस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के द्वारा जो बॉन्ड बनता है वह मेटालिक बॉन्ड बनाता है, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो पहले वाले हैं एन माइनस वन डी सबसेल, यह सबसेल जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से यहां पास जो डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, और इसी अनपेयर की वजह से यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो जो एलिमेंट्स होता है वह कठोर होता है। यहां पास यह कह सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस तरह से 3D सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम पर अनफेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह 1, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैग्नीज में 5, आयरन पर 4, कोबाल्ट पर 3, निकिल पर 2, कॉपर पर 1 और जिंक पर 0 होता है। जो इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह स्कैंडियम पर 1, टाइटेनियम 2, वेनेडियम 3, क्रोमियम 5, मैग्नीज 5, आयरन 4, कोबाल्ट 3, निकिल 2, कॉपर 1 और जिंक में इसके अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है, और इसी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कंपाउंड पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वह कठोर और धात्विक चमक के होते हैं, जिसके कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वह मेटल की तरह बिहेवियर करता है। यहां पर बात करें नोट्स की, यहां पर बात करें नोट की, तो नोट ए है कि जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी होता है वह भी बढ़ता है। स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक इसके मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, और मैग्नीज के बाद जिंक तक इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी कम होता है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, उसके बाद जो आयरन है आयरन से जिंक तक जाने में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता है। इस तरह से
मेटालिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, बात करें आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को आई ई से डिनोट करेंगे। कोई एटम है, उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2 इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यह जो इलेक्ट्रॉन है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को स्टेबल बनाने के लिए या फुलफिल होने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा उस कंडीशन पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहां पास एनर्जी लगा है, और इसी एनर्जी को ही आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। यह बोल सकते हैं कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इस श्रेणी में जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं जाने पर या फिर स्कैंडियम से जिंक की ओर चलने पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। लेफ्ट से स्कैंडियम से जिंक की ओर चलने पर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहां पास स्कैंडियम है, उस स्कैंडियम का जो साइज है वह बड़ा है, और जो जिंक है उसकी जो साइज है वह छोटा है, क्योंकि स्कैंडियम से जिंक की ओर बढ़ने से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो पहले वाले ऑर्बिटल है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी साइज जो है छोटा होते जा रहे हैं। अगर साइज बड़ा है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है वह न्यूक्लियर चार्ज कम है, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से डोनेट किया जा सके उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह कम होता है। और जिंक की बात करें तो जिंक का जो साइज होता है वह छोटा होता है, और साइज छोटा होने से उसकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस है उनके बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज है वह न्यूक्लियर चार्ज अधिक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है। इस वजह से बोल सकते हैं कि जो जिंक है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक है। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज था वह कम था, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए उन पर एनर्जी कम लगता था, जिसके वजह से जो स्कैंडियम है वह दुर्बल आकर्षण बल होता है, और जो जिंक है उस पर न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने के कारण इस पर प्रबल आकर्षण बल रहता है, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन सभी पेयर में होता है, और पेयर में होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है तीन प्रकार के होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की जो एनर्जी होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है, सेकेंड आयनाइजेशन की एनर्जी जो होता है वह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से कम होता है, और जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक रेडियस जो होता है। सपोज कोई एटम है, उस एटम में जो न्यूक्लियस होता है और उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होता है उसी बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वह एलिमेंट्री स्टेट पर देखा जाता है, एलिमेंट्री स्टेट पर, और जो आयनिक रेडियस होता है उस आयनिक रेडियस को इस एटम के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने के बाद जो न्यूक्लियस है और उसकी इलेक्ट्रॉन जहां से इलेक्ट्रॉन निकला हो या जिस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन आया हो उनके जो बीच की दूरी होता है उन्हीं को आयनिक रेडियस कहा जाता है। जो एटॉमिक रेडियस की यहां पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके वजह से उसकी एटॉमिक रेडियस के कंपेयर में जो आयनिक रेडियस है वह छोटा होता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एटॉमिक रेडियस के कंपेयर में जो आयनिक रेडियस होता है वह कम हो जाता है, आयनिक रेडियस कम होता है और एटॉमिक रेडियस जो रहता है ज्यादा रहता है। यहां पर बात करें कि जो संक्रमण तत्व होता है वह संक्रमण तत्व की जो परमाणु त्रिज्या है या आयनिक त्रिज्या है वह एस और पी ब्लॉक के तत्व से कम होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें कि जो स्कैंडियम है उस स्कैंडियम से अगर जिंक की ओर बढ़े या बाएं से दाएं की ओर जाए तब एटॉमिक रेडियस जो है कम होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट की ओर जाने से आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इंक्रीज होते जाता है, जिस वजह से जो उसकी साइज है वह साइज डिक्रीज होगा और साइज के डिक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है। स्कैंडियम से मैग्नीस तक बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियस होता है वह घटता जाता है और आयरन के बाद जिंक तक आयनाइजेशन जो कि स्थिर या लगभग समान होता है, क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीस तक बढ़ने से उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कि इंक्रीज होता है और आयरन के बाद जिंक तक जाने से उसके अनपेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन कम होते जाता है और जो जिंक होता है इस पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन सभी के सभी पेयर पर होता है, तो जो जिंक होता है उसकी एटॉमिक रेडियस बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि एटॉमिक रेडियस और जो आयनिक रेडियस होता है उसको एक दूसरे के अनुरूप कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने से आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस के कम होने से आयनिक रेडियस भी कम होगा, लेकिन
एटॉमिक रेडियस के कंपेयर में जो आयनिक रेडियस है, अगर कोई एक एलिमेंट्स की बात कर ले, जैसे कि हो मैग्नीस है, मैग्नीस की एटॉमिक रेडियस का मान जो आयनिक रेडियस है उसके कंपेयर में बड़ा होता है और आयनिक रेडियस का मान कम हो जाता है, क्योंकि यह केटायन रेडियस होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, आयनिक रेडियस तो इस तरह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, उसमें लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस होता है वह कम होता है, और ऊपर से लेके नीचे की ओर जाने पर इसकी आयनिक रेडियस जो होता है वह बढ़ता है। बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट को 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और 3D थर्ड नंबर के ट्रांजिशन एलिमेंट को 5D ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बात करें तो ऑर्बिटल s और d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन जो है s और d में भरे जाएंगे, लेकिन जो 5D या थर्ड नंबर के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है f d और s पर भरा जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वह पहले s ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद d ऑर्बिटल में भरा जाएगा। वैसे ही इस पर जो इलेक्ट्रॉन है s में, फिर d में भरा जाएगा, लेकिन जो 5D एलिमेंट्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन s में भरने के बाद f में भरा जाएगा, और f में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से जो थर्ड नंबर में एलिमेंट्स आता है लेंथेनम से लेकर लुथेनियम तक, जिसकी आयनाइजेशन रेडियस है या आयनिक रेडियस है, वह आयनिक रेडियस डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि इस पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनिक रेडियस जो होता है वह कम होता है, तो जो लेंथेनाइट के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स होता है कंस्ट्रक्शन होता है, और इसी कंट्रेक्शन की वजह से इस लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वह फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसके कंपेयर में आयनिक रेडियस होता है कम होता है, और जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वह थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपेयर में इसकी जो आयनिक रेडियस होता है वह अधिक होता है। जो बात कर रहे थे 3D या थर्ड नंबर के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिस पर इलेक्ट्रॉन d में ना जाकर f में जाता है, जिस वजह से वह संकुचित होता है, तो इसी संकुचन को लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पास करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए या स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करे, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। बात करें 3D एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में,
तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है उस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह हमेशा परिवर्तित होता है। परिवर्तित इस तरह से होता है जो एस सबसेल और एस सबसेल और डी सबसेल होता है वह इलेक्ट्रॉन ही इस कंपाउंड में ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। एग्जाम्पल बात करते हैं मैग्नीज, मैग्नीज को 3d5 और 4s2 लिखा जाता है जिस पर s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल है जिसके वजह से यह s और d ही ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह हमेशा परिवर्तित होता है। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वह लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की बात किया जाए तो जो कॉपर और जिंक है और क्रोमियम यह लोअर ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है और क्रोमियम मैग्नीज और उसके साथ साथ जो आयरन है वह हायर ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो +1 +2 लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे और हायर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें +4 +5 +6 और +7 जो दिखाए वह हायर ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए इस तरह से फार्मूला की बात करते हैं N+S जो N है वह अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो D सबसेल की होगा और जो S होगा वह S सबसेल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें N+S के रूल के अकॉर्डिंग जो N होता है D सबसेल पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और S होता है वह S सबसेल है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल टाइटेनियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 और 4s2 लिखा जा सकता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह परिवर्तित होता है तो यह ऑक्सीडेशन नंबर दो तरह से दिखाता है, एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर और एक दिखाता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वह s की वैल्यू रहेगा और हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा N+L की वैल्यू होगा। इस s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है तो उस कंडीशन में इसकी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर +2 रह गया और N+2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो d ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह दो है जिसके वजह से अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह दो है तो इस फार्मूला में रख दे 2+s की वैल्यू जो है 2 = 4। तो इस तरह से जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर है वह +4 दिखाएगा। इस तरह से इस सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ले S+N+A रूल के अकॉर्डिंग। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह 3d1 और 4s2 होता है। टाइटेनियम की 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम 3d4 और 4s2। उसके बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाता है जिस वजह से 3d5 और 4s1 हो जाता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज होता है 3d5 4s2। आयरन की बात करें तो आयरन होता है 3d6 4s2। कोबाल्ट की बात करें 3d7 और 4s2। निकिल की बात करें तो 3d8 और 4s2। कॉपर की बात करें कॉपर में भी s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d में चले जाता है जिस वजह से 3d10 और 4s1 हो जाता है। जिंक की बात करें तो जिंक पर होता है 3d10 और 4s2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल को ऑर्बिट के फॉर्म पर लिखें तो इस तरह से ऑर्बिट के फॉर्म पर लिखा जा सकता है।
अगर आर्बिट के फॉर्म में लिखने के बाद एन प्लस ए रूल पर इसकी वैल्यू को रख दिया जाए, तो इस तरह से अगर एन प्लस एल की वैल्यू पर रखे, 3d पर 1 इलेक्ट्रॉन, 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन, 3d 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3d पर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम पर 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन, 4s2 पर 4s पर 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज पर d ऑर्बिट पर होता है 5 इलेक्ट्रॉन और s पर 2, आयरन पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और d पर 2, कोबाल्ट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिट पर होता है वह 7 और एस पर 2। निकिल की बात करें तो निकिल पर होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल पर और एस पर जो होता है वह 2 होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल पर होता है वह 10 होता है और एस पर इलेक्ट्रॉन जो कि 1 हो जाता है। और जिंक की बात करें तो जिंक पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इनकी बात करें एन प्लस ए रूल के अकॉर्डिंग, एन प्लस एस रूल के अकॉर्डिंग, तो एन की वैल्यू होता है डी ऑर्बिटल पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो एस की वैल्यू है वह 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एस की वैल्यू है 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 देगा और उसके साथ साथ 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रह जाएगा प्लस 3। यहां पास देखें एस है वह लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है और एन प्लस एस है वह हायर ऑक्सीडेशन नंबर है। इनकी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो एस ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहां पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इस पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहां पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2 2 2 2 और यहां पास 1 फिर यहां पास 2, इस पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 2 प्लस एस की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3, इसमें बात करें 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यहां पास बात करें वेनेडियम पर तो वेनेडियम पर है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम पर है 1 प्लस 5 जिस पर हायर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज पर जो इलेक्ट्रॉन है वह 2 प्लस 5 यानी कि 7। आयरन की बात करें आयरन पर जो है 2 प्लस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन पर 4 है जिस वजह से उसकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 है। क्रोमियम की बात करें क्रोमियम पर प्लस 2 प्लस 3 तो इज इक्वल टू 5 हायर ऑक्सीडेशन नंबर। इनकी बात करें निकिल पर तो निकिल पर 2 और अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट पर है 2 जिसकी वजह से उसके ऑक्सीडेशन नंबर 4। कॉपर की बात करें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस 1। जिंक की बात करें तो जिंक पर ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पास एस ऑर्बिटल पर प्लस 2 और अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन इस पर जो कॉपर है वहां पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल पर 0 है और एस ऑर्बिटल पर जो कि 1 है तो इस वजह से 1 दिया। और अगर इसकी एलिमेंट्री स्टेट की बात करें तो उस कंडीशन पर यहां पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता, यहां पास 1 इलेक्ट्रॉन होता, उसके वजह से वह प्लस 2 देता और यहां पास 1 था और यहां पास 2 था, इन दोनों को एक साथ अगर दे देते तो इस तरह से यह प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर देता। फाइनली अगर कहा जाए इस कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह कितना रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितना रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 और प्लस 3 होगा। जो टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन नंबर है वह प्लस 2 और प्लस 4 होगा और प्लस 2 और प्लस 4 के बीच में जो भी नंबर आता है वह भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा।
तो इस तरह से जो वेनेडियम है, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +4 और +5 रह जाएगा। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 से लेके +6 तक रह जाएगा, +4, +5 और यहां पास +6 तक रह जाएगा। क्रोमियम की बात, मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर +2 से लेके +7 तक रह सकता है, +2 से लेके +7 तक रहता है। और आयरन की बात करें तो आयरन जो कि +2 से लेके +6 तक रहेगा, कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट जो +2 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। कॉपर की बात करें, निकिल की बात करें, कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +5 तक रहेगा। निकिल की बात करें तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से लेके +4 तक का रहेगा। वैसे ही कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2 और +3 शो करेगा। जिंक की बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वह +2 रहेगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर बताया जा सकता है। और इस ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ही कंपाउंड की कलर नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इस तरह से प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।